हत्या अपहरण लूट के संगीन मामलों में जेल में बंद कौशल गैंग के मुख्य गैंगस्टर अमित डागर भले ही जेल में बंद है, उनकी क्राइम दुनिया के बादशाहत को बरकरार रखने के लिए उनकी धर्मपत्नी ट्विंकल गैंग को चला रही थी ताकि उनके पति की बादशाहत बरकरार रहे। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। गैंगस्टर अमित डागर की धर्म पत्नी ट्विंकल को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लेडी डॉन ट्विंकल अपने पति की तर्ज पर ही लोगों से अवैध वसूली करती थी। उन पर आरोप है कि खांडसा स्थित मंडी में उसका सिक्का चलता था और यहाँ से उनके बंदे अवैध वसूली करते थे। इसी शिकायत पर पुलिस ने ट्विंकल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कौशल चौधरी और अमित डागर के जेल में जाने के बाद से लेडी डॉन ट्विंकल ही पूरी गैंग को ऑपरेट कर रही थी। आपको बता दें कि खांडसा मंडी गुरुग्राम की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। एसीपी क्राइम के मुताबिक लेडी डॉन कौशल गैंग की फाइनेंशियल सपोर्ट को लगातार मजबूत कर रही थी। एसीपी क्राइम के मुताबिक इस लेडी डॉन से बिना पूछे मंडी में सब्जी तक नहीं बिकती थी। पॉलीथीन बिकेगा या नहीं, हरी मिर्च बिकेगी या नहीं, मशरूम बिकेगा या नहीं, धनिया बिकेगा या नहीं, या फिर कहे बिकेगा तो कितने रुपए में बिकेगा, उसका रेट भी ये महिला लेडी डॉन ही तय करती थी। लेडी डॉन को बिना परमिशन के कोई सब्जी तक नहीं बेच सकता था। इस तरह से महिला ने पूरे खांडसा मंडी पर अपना वर्चस्व कायम कर रखा था। आपको बता दें कि बीते दिनों एनआईए ने कौशल गैंग के 1,00,000 के इनामी बदमाश संदीप उर्फ बंदर को गिरफ्तार किया था। एसीपी ने कहा है कि लेडी डॉन उसी के साथ मिलकर खांडसा मंडी में एक्सटोर्शन को अंजाम दे रही थी। तभी से एनआईए को भी इस लेडी डॉन की तलाश थी और कई बार लेडी डॉन के घर पर एनआईए द्वारा रेड भी की गई थी, लेकिन लेडी डॉन कभी भी हाथ नहीं आई। ये गैंगस्टर अमित डागर और कौशल गैंग है जो काफ़ी समय से गुड़गांव और संभावित जो नियर बाय एरियाज हैं उसके अंदर ये इन्होंने अपने काफ़ी गैंग्स के थ्रू काफ़ी इस तरीके की गतिविधियों का अंजाम दिया है। गैंगस्टर अमित डागर है, उसकी वाइफ है ट्विंकल, ये मोस्ट वांटेड और काफ़ी संगीन अपराधों में संलिप्त रहा है। काफ़ी दर्जनों से अधिक इसके ऊपर ऐसे संगीन आपराधिक जो इसके ऊपर केसेस हैं वो हैं। तो इसके गैंग जो अमित डागर है इसके गैंग को ट्विंकल ऑपरेट कर रही थी और जिसके माध्यम से अभी आप रिसेंटली गुड़गांव पुलिस ने एक एनआईए द्वारा 1,00,000 रुपए का इनामी था संदीप उर्फ बंदर उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी। ये उसके साथ मिलकर खांडसा मंडी के अंदर एक्सटॉर्शन उगाही वगैरह का काम कर रही थी जिसके जरिए ये अपने गैंग को फाइनेंशियल एड देना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना उस संबंध में ये इसमें शामिल थी। तो इसको हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 है उसने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और इसके ऊपर अवैध वसूली और एक्सटॉर्शन के संबंध में कुछ ऐसे संगीन आरोप हैं जिसके तहत इसके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर कुछ बरामदगी भी इसके ट्विंकल के पास से हुई? अभी रिसेंटली जैसे इसको पकड़ा गया है, काफ़ी समय से पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी और ये वॉन्टेड थी पुलिस के लिए, तो इसको जब जैसे ही अभी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 इंस्पेक्टर अमित जी ने पकड़ा है उसके दौरान अब इसको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा, जिस दौरान पुलिस रिमांड के दौरान से गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि ऐसे क्या क्या और मामले हैं, ऐसे कौन कौन और अन्य व्यक्ति विशेष हैं जिनके साथ इनकी संलिप्तता थी और ये इस तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट जो ये चला रहे थे। सर ट्विंकल ने किससे रंगदारी मांगी थी और कब ये मुकदमा दर्ज हुआ, कितने की रंगदारी इसने मांगी थी? 2022 के अंदर एक केस रजिस्टर्ड कराया गया था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर जिसके अंदर ये शिकायतकर्ताओं के द्वारा और पुलिस के पास सोर्स रिपोर्ट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस तरीके से एक रैकेट चलाया जा रहा है जिसके थ्रू जो एक सिंडिकेट है वो जो गैंगस्टर्स का भय दिखाकर खासकर अमित डागर कौशल के जो गुर्गे हैं उनके थ्रू ये उनका भय दिखाकर पूरी खांडसा मंडी के ऊपर एक वर्चस्व की वो जो उन्होंने अपनी लड़ाई कर रखी थी कि भाई
पॉलिथिन है, अगर पॉलिथिन बिकेगा, मशरूम बिकेगा या फिर अन्य ऐसे हरी मिर्च बिकेगी, धनिया बिकेगा, इस तरीके की कोई भी सब्ज़ी अगर बिकेगी तो वो इनके मनचाहे दामों पे बिकेगी और कोई दूसरा व्यक्ति विशेष या कोई दूसरा व्यक्ति आके वहाँ पर इनके बिना परमिशन के वो बेच नहीं सकता। तो इस तरीके के खांडसा मंडी के ऊपर जो इन्होंने एक अपना वर्चस्व बना लिया था और जिसके भय में हर व्यक्ति जो वहाँ खांडसा मंडी के अंदर वहाँ पर डील करता था, चाहे वो आड़ती हो, चाहे एक लोकल दुकानदार हो, कोई रेहड़ी वाला हो, तो हर किसी के ऊपर इनका एक प्रभाव था और भय था, जिसके दौरान इन खांडसा मंडी से काफ़ी लाखों रुपये की उगाही करते थे। और इस संबंध में जब पूछताछ में जो चीज़ें, जैसे हमने संदीप बंदर को पकड़ा था, उस दौरान भी पूछताछ में आया था कि जो वो उगाही का जितना भी ये जो पैसा आता है वो ट्विंकल के माध्यम से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ट्विंकल को अभी पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और ट्विंकल से फर्दर ये पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ करी जाएगी कि ऐसे कौन कौन और लोग संलिप्त हैं और किस माध्यम से ये अपने जो गैंग को किस तरीके से एड देती थी। सर, ट्विंकल का बैकग्राउंड क्या है और क्या ट्विंकल पर और भी कोई आपराधिक केस सामने निकल कर आए हैं या केवल यही एक केस बनता है? ट्विंकल के ऊपर कुछ केसेस हैं, पहले भी इसको अरेस्ट करा जा चुका है और जैसे कि आपको पता है कि अमित डागर की वाइफ है और अमित डागर एक बहुत ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जो संगीन गतिविधियों में संलिप्त रहा है और इनका एक नेक्सस डेवलप हो गया है गैंगस्टर्स का, जैसे कौशल के गैंग के थ्रू जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अंदर ये एक्टिव हैं और काफ़ी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अमित डागर अभी फरार है सर? अमित डागर, कौशल दोनों ही अभी जेल के अंदर हैं।